पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। तुम सबने घर में हुई हर गलती के लिए बड़ी आसानी से मुझे जिम्मेदार ठहरा दिया। अश्विन मीटिंग में नहीं पहुंचा, राशि को चोट लग गई, घर में गैस लीक हो गई, डब्बे से तेल बाहर आ गया, इस सब का जिम्मेदार कौन? पुष्पा, दीप्ति और प्रार्थना अलग होना चाहते हैं, मैंने उन्हें रोकना चाहा, तो गलत मैं। अपने परिवार को जोड़कर रखना चाहा तो कसूरवार मैं। सिर्फ तुम लोगों को ही नहीं, सोनल बहन, मनीष भाई, बापोद्रा, सबको यही लगता है कि मैंने तुम लोगों को पकड़ कर नहीं जकड़ कर रखा हुआ है। राधिका को भी बोली मुझसे कि छोड़ना, जाने दे पुष्पा, जो करना चाहते हैं करने दे। मैंने वृक्ष बनकर फल फूल छांव बना सब दी, पर तुम लोग पंख लेकर जन्मे हो, उड़ना तुम लोगों का धर्म है और मोह माया ना रखना मेरा। भूल गई थी मैं कि जिन उंगलियों को मैंने कसकर पकड़ा हुआ है उन्हें किसी न किसी मोड़ पर तो छोड़ना भी होगा। बच्चे को तब तक की जरूरत होती है सहारे की जब तक वो खुद से चलना न सीख जाए। साइकिल आने के बाद साइड के वो पहिया हम हटा ही देते हैं ना, कायम तक के लिए तो नहीं रखते। हो जाती हूँ मैं, हो जाती हूँ हावी तुम लोगों पर, मैं मानती हो जाती हूँ, लेकिन वो इसलिए क्योंकि मैंने अपनी भावनाओं का निवेश किया है तुम लोगों। एकदम से ऐसे अचानक से हाथ खींच लेना आसान नहीं है मेरे लिए। पर अब बस हुआ, अब नहीं बाबा, तुम लोग बहुत बड़े हो गए हो, अपनी अपनी उड़ान भरने के लिए मुक्त हो। इसीलिए आज के बाद ना तो मैं कोई फैसला लूंगी और न ही तुम लोगों के किसी फैसले में दखलंदाजी करूंगी। तुम लोगों की जिंदगी है, निर्णय तुम्हारे, उसके परिणाम भी तुम्हारे। मैं सिर्फ अपने फैसले लूंगी और तुम लोग अपने। कोई बहस नहीं, कोई बखेड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं। आज से, इस घड़ी से मैं फैसला लेने के काम से और मां की इस पद्धति से राजीनामा देती हूं। आज के बाद तुम लोग अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओगे, उसमें मेरा कोई दखल नहीं होगा। बात खत्म, फुल एंड फाइनल। तक दीप्ति और अश्विन स्वरा को लेके उस घर से निकल नहीं जाते तब तक उनका प्रोग्रेस मुश्किल है। मनीष, दीप्ति का उस प्रार्थना के साथ उस छोटी सी जगह में रहना, रोज के झगड़े, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। प्रार्थना को समझना होगा, उस घर की छोटी बहू है वो, सिर्फ हमारी बेटी नहीं है। प्रार्थना को समाधान करना होगा। तो बड़ों को भी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए सुशी, छोटों को ग्रेस देना चाहिए, माफी देनी चाहिए, लाड लड़ाने चाहिए। ग्रेस देने की भी एक लिमिट होती है, एक हद होती है ना, बच्ची नहीं है वो प्रार्थना। और पुष्पा बेन परिवार को बांधे रखने की अपनी जिद पर इसी तरह अगर अड़ी रही तो आगे मामला बिगड़ता जाएगा। तो क्या कह रही मम्मी? मम्मी, सबके पीछे हमारा ये मतलब नहीं।
मम्मी प्लीज शांत हो जा। मैं शांत हूँ चिरा, मैं शांत हूँ। क्यों ऐसा लग नहीं रहा क्या? मैं जो भी बोल रही हूँ ना, बहुत सोच समझ कर बोल रही हूँ। मुझे अपने अंदर भी तो झांक कर देखना पड़ेगा ना, टटोलना होगा खुद को कि मैं कहाँ गलत रह गई। घर में अचानक से जो इतना क्लियर होने लगा है, कहीं कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तभी तो हो रहा होगा ना ये सब। और अगर इसका कारण मैं हूं तो पीछे हट जाना ही बेहतर है। माँ आप गलत समझ रही हो। मम्मी तू अचानक ऐसा फैसला क्यों ले रही है? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। चुप, बीच में मत बोल। बीच में नहीं बोलना बेटा, कोई बीच में नहीं बोलेगा। पुष्पा ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है, देखना वो सब हैंडल कर लेगी अच्छे से। आज तक ना बहुत आसानी से सब चीज का सामना किया मैंने अश्विन, क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी अश्विन कि मुझे सक्षम बनना पड़ा। कोई और नहीं था ना जिम्मेदारी उठाने वाला। जिम्मेदारी के नाम पे जो सबकॉन्शियसली अपनी मनमानी करने की आदत पड़ गई है पुष्पा बहन को, वो बदलनी होगी। उन्हें सोच बदलनी होगी अपनी। अपनी सोच बदलनी नहीं, पहले बनानी पड़ती है। बहुत मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, जैसे दूध में कितना पानी मिलाऊं कि तुम तीनों को एक एक कप पीने को मिले, दवाई खरीदूं या खाना, कंगन पहनूं या उनको बेचकर स्कूल की फीस भरूं, तीन फुलझड़ी के पैकेट लाऊं बाजार से या फिर एक पाव मिठाई। घर से बाहर जाऊं कमाने के लिए कि घर पर रहूं, तुम लोग समय दूं, संस्कार दूं। बहुत बहुत अजीब से दोराहे पे खड़ी कर देती है जिंदगी, तुम लोगों को पता नहीं है। जिंदगी का तो काम ही है डिफिकल्ट सवाल खड़े करना। गृहस्थी उनके जवाब ढूंढ ढूंढ कर ही चलती है, सब चलाते हैं, किसी के पास कोई चारा नहीं होता। और हर बार हर सवाल का जवाब पुष्पा ने ढूंढा है, उसका सही उकेल निकाला है अकेले। और जो अकेले ऐसे कठिन फैसले लेता है ना, उसको ज्यादा किसी की जरूरत नहीं पड़ती है जिंदगी में। फिर मन मक्कम हो जाता है ऐसे व्यक्ति का, कंधे ताकतवर हो जाते हैं, फैसले और उसके परिणाम दोनों को झेले वैसे वैसे ताकतवर। पर अब ये दौर खत्म हुआ, बच्चे बड़े हैं, संस्कारी, केपेबल है अपने डिसीजंस खुद लेने के लिए। जैसे पुष्पा बेन सक्षम है, वैसे हमने भी हमारी बेटी को केपेबल और इंडिपेंडेंट बनाया है ना मनीष। लेकिन मैं तुम्हें तो पता ही, दो भी वो एक नंबर की, मैं भूल जाती हूँ कि तुम सब यही देख देख के तो बड़े हुए हो। तुम में भी तो वही अक्कल, वही समझदारी, वही ताकत होगी। माँ हूँ ना, बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाए, माँ के लिए वो छोटे ही रहते हैं। क्योंकि ममता की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, लेकिन बच्चे बड़े हो जाते हैं। ये समझने में मुझे जरा देर हो गई, लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, है ना? अब तुम सब बड़े हो गए हो, अपनी अपनी गृहस्थी की सब है तुम सब में, और इसीलिए सही समय पे सबको अपनी अपनी जवाबदारी सौंप देनी चाहिए। ग्रेसफुल रिटायरमेंट नाम की भी कोई चीज होती है सुशी। गृहस्थ आश्रम से वन प्लस तक जाने की बात तो है ना, वेद और उपनिषद ने भी की। भले आप जंगल की तरफ ना निकल जाए, लेकिन घर के बीचों बीच से हटके कोना तो पकड़ सकते हैं। और इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है कि अब मैदान में आकर खेलने का नहीं, ऐसे साइड में खड़े रहकर बस मैच देखने का समय है। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।